लेकिन हमारा जोशीमठ रहना चाहिए। हम तो पीड़ा है, हमारी है जन्म भूमि है और इस जोशीमठ की हमको पीड़ा है। हमारे ये पहाड़, हमारे मठ, हमारे मंदिर जो हमारे जोशीमठ का नाम है, हमारा अस्तित्व खत्म नहीं होना चाहिए। हमको इतनी पीड़ा है अपने जोशीमठ की और हम एनटीपीसी कंपनी को बंद करके रहेंगे। जोशीमठ जोशीमठ का पूरा इलाका अपने आप में काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ की वादियाँ, पहाड़ों के बीच से बहने वाली अलकनंदा नदी मन को मोहने वाली है। यहाँ रहने वाले लोगों के लिए यह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। लेकिन नए साल पर जैसे इसे किसी की नज़र लग गई। 2 जनवरी से लेकर अब तक कुछ ऐसा हो रहा है जिस पर स्थानीय निवासी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। सड़कों और घरों में दरारें पड़ने लगी हैं। लोगों के जहन में दहशत का माहौल है। यह तय कर पाना मुश्किल हो रहा है कि यहाँ वर्षों से रहने वाले परिवार कहाँ जाएं। अपनी यादों को समेटकर पलायन करना उन्हें गवारा नहीं, इसलिए गुरुद्वारे और स्कूलों की शरण ले रहे हैं। अचानक आई इस आपदा का कसूरवार कौन है, जिसकी वजह से जोशीमठ का अस्तित्व आज खतरे में है, जिसकी वजह से लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी का प्रवेश द्वार, आदि गुरु शंकराचार्य जी की तपस्थली जोशीमठ आज खतरे में है। हर साल देश विदेश से तीर्थयात्री और पर्यटक यहां पहुंचते हैं। जोशीमठ भगवान बद्री विशाल जी का शीतकालीन गद्दी स्थल और गढ़वाल के कत्यूरी राजवंश की राजधानी भी रहा है। जोशीमठ एक नगर ही नहीं बल्कि एक धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र भी है। ये शहर बरसों से सैलानियों की पहली पसंद रहा है, लेकिन जमीन धंसने की वजह से इसके भविष्य पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया है। मकानों में पड़ी दरारों ने यहाँ के निवासियों का सुख चैन छीन लिया है। लोगों के आंसुओं से बह रही आंसुओं की धारा सब कुछ बयां करने के लिए काफ़ी है। अपने जीवन भर की कमाई को अपने घर बार और मकान में लगाने के बाद भी आज इनके घर सुरक्षित नहीं रह गए हैं। जोशीमठ में इस वक्त हजारों लोगों की ज़िंदगी खतरे में है। गुजरते वक्त के साथ यहाँ रहने वाले लोगों पर मौत का साया बढ़ता जा रहा है। जमीन फट रही है, सड़क, मकान, होटल सब जगह दरारें पड़ गई हैं जो लगातार बढ़ती जा रही हैं। पूरे जोशीमठ में जमीन से पानी फूट रहा है। दरारों की वजह से घर झुकने लगे हैं। लोग खुले आसमान के नीचे रात काटने को मजबूर हैं। इस आपदा में लोगों का उत्साह सरकार से ज़्यादा एनटीपीसी के एक प्रोजेक्ट पर है। दरअसल जोशीमठ जिस अलकनंदा और धौलीगंगा के संगम के बाईं पहाड़ी ढलान पर बसा है, उस संगम को विष्णुप्रयाग कहते हैं। धौलीगंगा की तरफ जाने पर करीब 15 किलोमीटर ऊपर एनटीपीसी का तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो प्रोजेक्ट है। फरवरी 2021 में ग्लेशियर फटने से आई बाढ़ में यह पूरा प्रोजेक्ट तहस नहस हो गया था। इस प्रोजेक्ट साइट के पास एक सुरंग बनाई जा रही है जिसे अलकनंदा से कनेक्ट करने का काम चल रहा है। बांध के पानी को वैकल्पिक रास्ता देने के लिए इस तरह की सुरंगें बनाई जाती हैं। यही आधी बनी सुरंग सबके निशाने पर है। स्थानीय लोगों से लेकर जोशीमठ को बचाने की मुहिम में लगे लोग इस सुरंग को कोस रहे हैं। सरकार से ज़्यादा गुस्सा लोगों का इस सुरंग और एनटीपीसी पर दिख रहा है। इस सुरंग में एक टीबीएम यानी टनल बोरिंग मशीन दलदल में फंसी हुई है। एनटीपीसी के लिए यह मशीन गले की हड्डी की तरह बन गई है, ना निगलते बन रही है ना ही उगलते। इस सुरंग में कभी ड्राइवरी करने वाले एक गाँव वाले ने बताया कि इस मशीन को निकालने के लिए सुरंग के अंदर गलत तरीके से बड़े बड़े ब्लास्ट किए गए।
स्थानीय एक्टिविस्ट भी इस सुरंग को आगे न खोदने की मांग कर रहे हैं। जोशीमठ में बढ़ती दरारों के कारण इस सुरंग का काम भी फिलहाल रोक दिया गया है। इसके अलावा हेलांग विष्णुप्रयाग बाईपास की खुदाई को भी समस्या का कारण माना जा रहा है। जोशीमठ भूस्खलन द्वारा एकत्रित हुए मलबे पर बसा हुआ है, इसलिए यहाँ की मिट्टी भी काफ़ी कमजोर है। अनियोजित निर्माण भी जमीन धंसने का एक कारण हो सकता है। जमीन धंसने के कारण जोशीमठ की कई सड़कों और घरों में दरारों का दिखना इस क्षेत्र के लिए कोई नई घटना नहीं है। इस तरह की दरारें शहर में और उसके आसपास कई वर्षों से देखी जा रही हैं। स्थानीय प्रशासन के अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जोशीमठ में स्थिति पर करीब से नज़र रखी जा रही है। भूकंप के सबसे अधिक जोखिम वाले जोन 5 में आने वाले इस शहर का सर्वे करने के लिए विशेषज्ञों का एक दल भी गठित किया गया है। दुर्भाग्य यह है कि सरकारें तब जागती हैं जब जिंदगियां खतरे में आ चुकी होती हैं। एक समृद्ध विरासत, अध्यात्म, धर्म और पर्यटन का शहर जिसका अस्तित्व अब खतरे में आ गया है। वक्त रहते अब भी ठोस कदम नहीं उठाए गए तो जोशीमठ किस्से कहानियों में ही रह जाएगा। आपकी नज़र में जोशीमठ में आई इस आपदा के क्या कारण हो सकते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं।